यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां चार लोगों का एक परिवार रहता था। 55 साल की एक महिला के साथ उसका बेटा, बहू और बेटी रहते थे। बहू का नाम मालती था। मालती अक्सर मौज मस्ती और स्टाइल में रहती थी और घर या बाहर के काम में उसका कोई ध्यान नहीं रहता था। सास और उसकी बेटी बहू मालती के रवैये को लेकर हर वक्त चिंतित रहते थे। मालती अपने पति, सास और ननद को काम पर लगा देती थी और खुद घूमने और शॉपिंग करने निकल जाती थी। अपने पति से पैसे लेकर खूब मौज करती थी। सास बेचारी खाना बनाने और घर के दूसरे कामों में जुटी रहती थी। वहीं बेटा और बेटी साफ सफाई और घर के बाकी काम करते थे। उस बुजुर्ग महिला ने अपने बेटे को समझाया कि तुम बहू को समझाओ कि सिर्फ घूमने फिरने और पैसे उड़ाने से काम नहीं चलेगा, बहू को भी घर का काम करना चाहिए, खाना बनाना सीखना चाहिए, क्योंकि कल के दिन जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी और मेरी उम्र भी नहीं रहेगी काम करने के लिए, तब क्या करेगी? तब तुम लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। अभी से आदत डाल लोगे तो आगे चलकर सब ठीक रहेगा। बेटे ने अपनी माँ के साथ मिलकर बहू को यह बात समझानी चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। मालती उल्टा अपने पति और सास पर भड़कने लगी। बेटा घबराया हुआ कुछ ना कह पाया। मालती के इस रवैये के बारे में पड़ोस में रहने वाली एक टीचर मीना अच्छे से जानती थी। एक दिन मीना मालती से मिलने उसके घर आई और उसने समझाया कि हमसे बड़े जो भी कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वो हमें अपने जीवन में घटी घटनाओं और अनुभव के आधार पर ये सब बातें बोलते हैं ताकि हमारे आने वाले वक्त में उनके बच्चों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े और हमें अपने जीवन में काम से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। कहते हैं ना, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। टीचर की यह बात सुनकर मालती बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सास के पास जाकर उससे माफी मांगी और कहा कि आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं भी आप लोगों के साथ मिलकर खूब काम करूंगी और हम सभी लोग साथ घूमने जाएंगे। इस तरीके से परिवार में चल रहा विवाद शांत हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे।